लखनऊ के चौक में यहाँ पे पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के चलते हमारे साथ है लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो महोत्सव आयोजित किया गया है उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, क्या कहना है आपका जो लखनऊ में महोत्सव, लखनऊ में पतंग महोत्सव जो आयोजित किया गया है? नगर निगम के द्वारा पतंग महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है और लखनऊ शहर जो है वो पतंगबाजी के बहुत शौकीन है। यहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है और जंगहट का दिन जब दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पर आसमान में पतंगे ही पतंगे दिखाई देती हैं और पतंगों का कॉम्पिटिशन भी होता है। आज भी यहाँ पर पतंग महोत्सव रखा गया है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पतंगे कॉम्पिटिशन रखा गया, लोग पतंगे बनाकर लाए हैं और आज उड़ाएंगे। और इसको ये नगर निगम की तरफ से स्वच्छता अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है और अब G20 का भी समय आ गया है और उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। लखनऊ शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए इसको स्वच्छता से जोड़ा गया ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हमें अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखना है। और स्वच्छ रखने के लिए पूरी तरह से हमारी टीमें लगी हुई हैं और जागरूकता अभियान चला रही हैं, आज इसको उसी से जोड़ा गया है। मैम, जिस तरह देखा जा सकता है यहाँ पे स्वच्छता परमो धर्म है, यहाँ थीम भी रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी स्वच्छता को लेकर? स्वच्छता को लेकर हमारा परम धर्म है क्योंकि हम शुरू से हमारी संस्कृति ये कि हम जब भोजन करते हैं तो हाथ पैर धोकर बैठते हैं और पलथी मारकर बैठकर भोजन किया करते थे। धीरे धीरे करके हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ चले गए तो ये सब चीज़ें छूट गई। हमारा तो परम धर्म रहा है और हमें अपने पहले हमारे यहाँ गृहिणियाँ सुबह उठती थी तो सबसे पहले अपने घर का आंगन धोया करती थी। ये सब परम्पराएँ थी, उन परम्पराओं को निभाया जाए और हम अपने स्वच्छ रहेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ तो प्रसन्न रहेगा ही, स्वच्छ रहेगा ये, हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और हमारा हमें कोई रोग भी नहीं होगा, हम निरोगी भी होंगे। तो स्वच्छता हमारे लिए अति आवश्यक है और उस पर नगर निगम का काम स्वच्छता करना है। नगर निगम की पूरी टीमें, हमारे नगर आयुक्त, हमारे अपर नगर आयुक्त, हमारे जितने अधिकारी हैं सब और हमारे कर्मचारी, विशेष करके कर्मचारी जो सुबह 5 बजे उठकर लगातार काम कर रहे हैं, उनका ये लगातार इसके लिए जागरूक है और काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ को 269 से 17 पर लाए हैं तो अब उसको 17 से नंबर 1 पर लाने के लिए पूरी तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और यह आज का कार्यक्रम भी इसीलिए स्वच्छता से उसको जोड़ा गया है ताकि लोग स्वच्छ रहें और जागरूक हों। मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे ये है कि जिस तरह आज पतंगबाजी महोत्सव रखा गया है यहाँ पे, एक तरीके से ये कला एक लुप्त होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धीरे धीरे करके ये लुप्त होती जा रही है। बहुत सारे हमारे बहुत पुराने ऐसे खेल हुआ करते थे, खो खो, कबड्डी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, पतंगबाजी का भी उसी में से एक था। लेकिन जितना लखनऊ शहर में इसका अभी भी चलन है उतना मुझे लगता है कि अभी कहीं भी नहीं है। धीरे धीरे करके ये सारे लुप्त होते चले जा रहे हैं लेकिन लखनऊ शहर ने इसको एक विशेष रूप से इसका चलन है और आज भी इसको लोग उड़ाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक समस्या और है कि पहले ये डोरें जो होती, डोर आती थी वो सिंथेटिक नहीं होती थी, अब सिंथेटिक डोर आने लगी और तार भी उसमें लगने लगा जिसके कारण बहुत सारे हादसे भी हो जाते हैं। तो हम अपने इस शौक़ को पूरा करें, मनाएं इसको बहुत अच्छे से, महोत्सव को मनाएं और पतंगबाजी का शौक़ पूरा करें, लेकिन हादसे ना हो इस प्रकार इसकी भी चिंता करें, उन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें जो हम इस प्रकार के हादसे पैदा करती है। और ये हमारा महोत्सव, ये हमारा पुराना वो है जिस उसको हम फिर से उसको दोहराने के उससे आज यहाँ पर महोत्सव का रखा गया ताकि लोग अपने पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, जिन्होंने जो लखनऊ चौक में पतंग महोत्सव आयोजित किया गया उसके बारे में बात करी और ये भी बताया कि स्वच्छता को लेकर 17वें नंबर पर जहाँ हमारा लखनऊ आ चुका है इसको और पहले लाने की भी उम्मीद और तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुष डेली इनसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।